नमस्कार, मैं हूं रिया और आप देख रहे हैं किस्मत की बात हमारे अपने सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर के साथ। हाय संदीप, हाउ आर यू? आई एम गुड रिया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। संदीप, आजकल के जमाने में ना इतना तनाव बढ़ चुका है कि लोग अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कोई ना कोई, चाहे वो छोटे से लेके बड़े हो, सब बीमार हो जाते हैं। बहुत कम उम्र में लोगों को आजकल कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, बहुत कम उम्र में हो जाता है। वो सब स्ट्रेस और तनाव की वजह से है। ऐसा क्यों और क्या इस चीज़ को कैसे रोक सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने रिया, बिकॉज आज की डेट में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है वो है स्ट्रेस की। अभी डॉक्टर्स ऑल ओवर द ग्लोब दे हैव स्टार्टेड सेइंग एवरीथिंग हैज बिकम साइकोसोमेटिक, और साइकोसोमेटिक आप गूगल करिए, बॉडीली डिसऑर्डर फॉर्म बाय ह्यूमन ब्रेन, यानी इंसान की जो सोच है, उसके माइंड की जो सोच है, वो बॉडी पे कुछ ऐसा इम्पैक्ट करती है कि इंसान बीमार हो जाता है। पुराने जमाने में हमारे माता पिता या उनके भी माता पिता, वो लोग ये भी जिंदगी ऐसी ही जीते थे, लेकिन उनकी जिंदगी डिफरेंट थी। एग्जैक्टली, वो लोग हमेशा खुश रहते थे किसी भी सिचुएशन में, एक्सेप्टेंस उनका जाता था। अभी टॉलरेंस नहीं है, एक्सेप्टेंस नहीं है, ऐसा ही होना चाहिए, मैंने ऐसा कह दिया, ऐसा ही होगा। इंसान अपनी जिद की वजह से, लाइफ को कंपेयर करने की वजह से, कि शर्मा जी की गाड़ी मुझसे बड़ी क्यों है, और मल्होत्रा साहब का घर मेरे घर से बड़ा क्यों है, और अब यहाँ तक हो गया है कि डेविड की वाइफ मेरी वाइफ से ब्यूटीफुल क्यों है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं है। तो आप क्या क्या कंपेयर करते रहेंगे? तो ये कंपैरिजन जो है, इसी ने इंसान की जिंदगी को मुश्किल में डाल दिया है। और उस पर मैंने एक पोएट्री भी लिखी थी, बताइए कि जिंदगी मुश्किल है या मुश्किल में है जिंदगी, जिंदगी मुश्किल है या फिर मुश्किल में है जिंदगी, कभी गुजर जाते हैं हम और कभी गुजर जाती है जिंदगी। यानी एक दिन तो इंसान को गुजरना ही है, लेकिन क्या आप अपनी जिंदगी को ठीक से गुजार रहे हैं? क्या आप खुश हैं? क्योंकि अगर कोई पूछा जाए कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, दैट इज हैप्पीनेस। तो जो इंसान खुश है किसी भी सिचुएशन में, भरोसा रखता है ऊपर वाले पे, और ये मैं आपको बता दूं रिया, जो इंसान ऊपर वाले पे यकीन रखता है वो हमेशा खुश रहता है, क्योंकि उसको मालूम है जो होना है वो होकर रहेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ, गिव योर बेस्ट एंड लीव हिम द रेस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपका स्ट्रेस खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म होते ही आप हेल्दी रहेंगे, हेल्दी रहेंगे तो हैप्पी रहेंगे, और आपकी जिंदगी उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी। हम चलते हैं अपने पहले राशि की तरफ, वो है मेष राशि। बिल्कुल, मेष राशि के लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि करना यह है आपको कि अपने रिश्तों को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान हैं कि लोगों को लगता है कि आप बहुत गुस्से में हैं या आप क्रिटिक हो गए हैं, तो ऐसे में थोड़ा सा टैक्ट और थोड़ा सा डिप्लोमेसी को आपको यूज़ करना चाहिए, मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ। दूसरा, यहाँ पे आपको क्या ना करें वो ये है कि डाउट ना करें, क्योंकि जब आप डाउट के जोन में चले जाएंगे, हर बात पे आपको लगेगा कि वो धोखा दे देगा, तो अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, दुविधा में दोनों गए, ना माया मिली ना राम। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा फेथ करना चाहिए, ये मैं आपको जरूर एडवाइस करना चाहता हूँ। और तीसरी बात, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज द टाइम कुछ परिवर्तन जिंदगी में आ सकता है, तो कोई बात नहीं, परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो चेंज को एक्सपेक्ट करिए, पॉजिटिव रहिए, क्योंकि जिंदगी की जर्नी या जिंदगी की कहानी पहले ही लिखी जा चुकी है, तो फिर टेंशन ले क्यों रहे हैं? बिल्कुल, ये टेंशन मैं अभी इसलिए रही हूँ क्योंकि मेरी राशि है वो जो आप अभी जिसके बारे में बात कर रहे थे, मेष राशि मेरी राशि है। ओके, तो जाहिर सी बात है मैं इस चीज को बहुत ही ध्यान में रखूंगी। नहीं, बड़ी अच्छी बात है कि मेष राशि वाले हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, हमेशा उनके अंदर वो यूथ रहता है और वो हमेशा हर चीज को इनिशिएटिव ले लेते हैं, जैसा कि आप करती हैं। आप डायरेक्टली मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। चलते हैं हमारे अगली राशि की तरफ, वो है टॉरस, और पता कर लेते हैं कि आज वो क्या करे और क्या ना करे। बिल्कुल, वृषभ राशि के लिए सबसे बड़ी बात है कि आज आपको कोई मान सम्मान, कोई रिकॉग्निशन, कोई अवार्ड या रिवॉर्ड मिल सकता है, तो ये तो एक बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात है कि रिश्तों में इजाफा होगा, जिसके लिए आप हमेशा जाने जाते हैं, लोग आपको जानते हैं, पहचानते हैं, चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ जरूर आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि जो मैरिड लोग हैं उनको थोड़ा सा तवज्जो देना चाहिए, गिव क्वालिटी टाइम एट होम वाइफ या हस्बैंड के साथ, कुछ वॉकिंग एवरी डे, मॉर्निंग या इवनिंग, जैसा भी आपको सहूलियत हो, एक वॉकिंग का पैटर्न आप बना लेंगे तो आपके लिए अच्छा है। जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, को क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, उससे बिल्कुल आप अपना माइंड डाइवर्ट न करें, फोकस करें, बिकॉज उनसे आपको कोई नुकसान होने वाला है ही नहीं। और यहाँ पे मैं क्या ना करें जरूर कह सकता हूँ कि ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, क्योंकि कई बार कहते हैं कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप इस तरह से अपने एटीट्यूड में बदलाव लेकर आएंगे, क्योंकि यू आर ऑलवेज नोन फॉर योर स्माइल, तो ट्राई टू वियर दैट स्माइल, आई थिंक आपका दिन जो है आज का और ब्यूटीफुल हो जाएगा।
और उसके बाद चलते हैं हमारे तीसरी राशि की तरफ, वो है मिथुन राशि जेमिनी, और पता कर लेते हैं आज वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। मिथुन राशि की सबसे बड़ी बात है रिया, उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ज्यादातर वो ख्याली पुलाव भी बनाते हैं, बिकॉज दैट्स द वे दे थिंक, एरी साइन है वो। लेकिन यहाँ पे मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि आज का वक्त वाकई कर गुजरने का है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि आपकी जिम्मेदारियों से आपको नवाजा जाएगा, तो यानी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है। इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी दिस विल हेल्प यू टू ग्रो फर्दर इन योर लाइफ। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं या किसी तरह की एजुकेशन लेना चाहते हैं, वक्त चल रहा है कि आप अपना उस जोन को अपग्रेड कर सकते हैं, तो एडमिशन नहीं हो रहा था, हो सकता है कुछ अच्छी खबर आपको आ जाए। एट द सेम टाइम यहाँ पे मुझे ये भी लगता है कि आपका कहीं रुझान ऐसी जगह भी हो सकता है, कहीं अटैचमेंट, कहीं लगाव, स्पेशली मैं प्यार मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, जो आपके लिए ठीक नहीं है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि दिल लगा लें कहीं पर और यू नो, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। लेकिन हाँ, धन से रिलेटेड आपको लाभ जरूर होगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले राशि की तरफ, वो है कैंसर। बिल्कुल, कैंसरियन के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आज का दिन ट्रैवलिंग से जुड़ा हुआ है, अपनी नेटवर्किंग से जुड़ा हुआ है, आपके जो कलीग्स हैं या आपके नेबर्स हैं, जो आप तो अभी तक नहीं पता था कि वो कौन है और क्या करते हैं, तो ये थोड़ा सा मेल मिलाप का सिलसिले को बढ़ाइए, क्योंकि मिलते रहिए, हालचाल पूछते रहिए, उससे क्या होता है कि एनर्जीज एंड सिनर्जीज क्रिएट होती हैं और इंसान का माहौल बदल जाता है। एंड स्पेशली कर्क राशि के लोग बहुत सेंसिटिव हैं, केयरिंग हैं, तो उनको लगता है कि हर एक चीज़ के साथ आपको जुड़ना भी चाहिए। तीसरी बात मैं यहाँ पर यह कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हो सकता है रेस्टलेस आपका बढ़ जाए, क्योंकि जब भी मंगल चौथे घर में आता है तो इंसान बिना बात के थोड़ा सा वनरेबल हो जाता है, यू नो, हाई ब्लड प्रेशर होने की संभावना बढ़ जाती है एक्चुअली, तो छोटी बात पे रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ गई है, तो उस पर आपको थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए। एक बात जो मैं ज़रूर रिपीट करूँगा और करता रहूँगा मैं आने वाले अगले सवा साल तक, जब तक कि 23 मार्च 2019 नहीं आएगा, कि आप मेडिटेशन को ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाइए, आराधना करिए, साधना करिए, ऊपर वाले से जुड़ जाइए, खुद और खुदा पर यकीन रखिए, क्योंकि जितना इंसान इबादत करेगा, ऊपर वाले से कनेक्ट हो जाएगा, उतना कोई भी नेगेटिव फोर्स आपको परेशान नहीं करेगा, क्योंकि यही वो दौर है। इसमें कई लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि क्या किसी ने कुछ करा दिया, करा किसी ने कुछ नहीं दिया, ये पूरी कायनात जो है वो यिंग और यांग, गुड और बैड, पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पर चलती है, रात और दिन पर चलती है, तो अगर आप अपने आप को पॉजिटिव जोन में बनाएंगे तो कोई भी नेगेटिविटी आपको इम्पैक्ट नहीं करेगी। इस बात को मेरी इंप्लीमेंट कर लीजिए, आई थिंक इट विल चेंज योर लाइफ। और इसी पॉजिटिव नोट पे हम चलते हैं अपनी अगली राशि की तरफ, वो है सिंह राशि, दैट इज लियो। बिल्कुल, सिंह राशि की शुरुआत आज थोड़ी सी खुशगवार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जबकि बाबूजी ने कहा था कि मन का हो तो अच्छा और ना हो तो और भी अच्छा, पच्चन साहब के बाबूजी, तो ये बहुत अच्छी बात है। एंड बट यहाँ पर आपके मन के मुताबिक हो रहा है, एंड आई थिंक यू आर लकी फॉर दैट, क्योंकि पिछला 1.5 साल अगर कोई परेशान था तो वो आप थे, तो हर यू नो, हर रात के बाद जब उजाला होता है तो इंसान की शुरुआत हो जाती है, एंड आई थिंक फॉर यू इट इज़ अ न्यू बिगनिंग ऑलरेडी। दूसरी बात यहाँ पे मुझे लगता है कि आप बिलीव करते हैं इनिशिएटिव पे, तो दिस इज़ अ टाइम कि आप जितनी कोशिश करेंगे उतना ही आपको सक्सेस भी मिलने वाला है, ये एक अच्छी बात है। हेल्थ की तरफ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जो इतना स्ट्रेस आपने जो बढ़ा लिया था पिछले 1.5 साल में, उसका कुछ ना कुछ असर अभी आपके ऊपर बाकी है, तो दिस इज़ अ टाइम कि रेगुलर मेडिकल चेकअप करा लीजिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, थोड़ा सा ध्यान लगाइए, जैसे मैंने अभी बताया, मेडिटेट करिए, हैप्पी रहिए, दोस्तों के साथ मिलना जुला करिए, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में और आसपास बना के रखिए, तो ये माहौल आपकी ज़िंदगी को वाकई बदल देगा, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड डे फॉर यू। खाली आपको हैप्पी जोन में रहना है, क्योंकि जब आप हैप्पी रहेंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो बॉडी लैंग्वेज पे आएगा, और बॉडी लैंग्वेज के पॉजिटिव होते ही आप जो चाहते हैं उसमें आपको सक्सेस यकीनन मिल जाएगा। और इसी के साथ हम चलते हैं अपने छठे राशि की तरफ, वो है कन्या राशि, और पता कर लेते हैं कि आज वो क्या करे और क्या ना करे। कन्या राशि के लिए सबसे अच्छा दिन आज का है, बिकॉज आज आपकी खुद से शुरुआत हो रही है, खुद से मतलब व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, बिकॉज मेरे हिसाब से जब इंसान खुद से मोहब्बत करता है, खुद से प्यार करता है, तो वैसे ही उसकी ज़िंदगी और खूबसूरत नजर आने लगती है, बिकॉज इट इज़ ऑल इन द माइंड। दूसरी बात है कि डिस्प्लेसमेंट की बात मैं आपसे लगातार करते जा रहा हूँ, क्योंकि शनि का ढैया है, कंटक शनि कहते हैं, कांटे की तरह शनि चुभता है, अगर आपका कर्म और धर्म ठीक नहीं है तो जस्ट मेंड योर वेज, दिस इज़ अ टाइम कि आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी का दिल ना दुखाएं, किसी को धोखा ना दें, किसी तरह से किसी को हर्ट ना करें, और अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और कन्या राशि के लिए एक और चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिस इज़ अ टाइम कि आप
हैप्पी जोन में रहिए, बिकॉज आपकी जिंदगी बदलने वाली है, आकस्मिक लाभ होने वाला है। राहु जब 11वें घर में आता है तो 11वां घर ज्योतिष नज़र में, या अगर हम जो डेली प्रेडिक्शन करते हैं उसमें गोचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो 11वां घर होता है लाभ का, तो जो ग्रह 11वें घर में आता है वही लाभ आपको अगले आने वाले उस वक्त तक देता रहता है। और ये 1.5 साल के लिए राहु आया है, और राहु का लाभ स्थान में आना यानी लाभ थ्रू गवर्नमेंट या पॉलिटिशियन या ओवरसीज कनेक्शन, अनएक्सपेक्टेड गेंस। राहु के बारे में कहते हैं कि कोई पैमाना है ही नहीं, राहु को नापा ही नहीं जा सकता। तो एक्सपेक्ट दैट अनएक्सपेक्टेड विंडफॉल कह सकते हैं, यू नो कि जब राहु देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो आई थिंक इतनी बड़ी बात आज आपके लिए है, तो लग जाइए पूरी कोशिश के साथ, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, चलते हैं अब अगले राशि की तरफ, वो है तुला राशि, और जानते हैं क्या वो कर सकते हैं और क्या नहीं। तुला राशि वालों को हमेशा ये लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और ये तो तराजू है, यू नो ये हमेशा जजमेंट के हिसाब से चलता है, लेकिन कभी कभी यू नो पैर फिसल जाता है, बिकॉज लिबरल्स आर वेरी पैशनेट इन नेचर, बिकॉज जितने एंटरटेनमेंट में लोग जुड़े हुए हैं वो लिबरल्स ही हैं, बिकॉज उनका मालिक शुक्र है, और शुक्र है कि शुक्र है, क्योंकि अभी शुक्र आपके धन के भाव में चल रहा है, तो बहुत सारे गेंस आपको शुक्र के थ्रू मिलेंगे। और एक और बड़ी बात यह है कि शुक्र और वृश्चिक, यानी जहाँ पे शुक्र प्लेस्ड है उसका मालिक मंगल, में राशि परिवर्तन हो गया है। ज्योतिष की नज़र में जब राशि परिवर्तन होता है तो वो अचानक गेंस देने की भी कोशिश करता है, तो एक बहुत ही खूबसूरत दौर तुला राशि का चल रहा है। और एक खूबसूरत बात यह भी है कि तुला राशि की चल रही थी 7.5 साल से, और उस दौरान आप फंसे भी, आपको डराया भी गया, कुछ वजह रही कुछ बेवजह, व्हाटएवर बी द रीजन, बट दैट इज ऑल ओवर। तो एक अच्छी खुशखबरी है कि एटलीस्ट कोई स्ट्रेस किसी भी तरह का नहीं है, चाहे वो साइकोलॉजिकल था या आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए थे। तीसरी बात मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर विदेश संबंधित आपकी कोई जरूर बातचीत हो जाएगी, सिरे चढ़ जाएगी, कोई वीजा की अगर आप वेट कर रहे थे वो आपको मिल सकता है। एक्सपेंसेस में थोड़ा सा आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैंने आपको नहीं बताई, आपके जो भी डिज़ायर हैं, जो आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, उसका वक्त आ चुका है, जिसके वजह से हो सकता है कि कुछ प्लेसमेंट चेंज हो सकता है कि आप जॉब बदलें, कंपनी बदलें, हो सकता है आप शहर बदलें, और ये भी हो सकता है कि आप देश बदलें, क्योंकि तुला राशि के केंद्र में जो राहु केतु का ट्रांजिशन आया हुआ है वो आपका सब कुछ बदलने वाला है। आमतौर पर जो अभी आप अपने देश बदलने की बात, ये भी एक होता है ना कि कभी कभी आपका जहाँ पे आप हो वो जगह आपको सूट नहीं करती, तो अगर आप निकल जाते तो जस्ट उस पर कभी रोशनी आप डाल सकते हैं इस चीज़ पे कि वाई इज इट सो नेसेसरी टू डू इट। देखिए रिया, सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान के मन का वहम है कि यू नो ये मुझे सूट नहीं कर रहा है। एस्ट्रोलॉजर को फोन लगाया कि बताइए पंडित जी मुझे कौन सा देश सूट करता है, तो मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड चले जाइए, जबकि उसके मामा जी और चाचा जी कनाडा में रहते थे। देखिए कहने का मतलब ये रॉन्ग क्वेश्चन का रॉन्ग आंसर है। व्हाट आई एम सेइंग इज प्लेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इट इज द टाइम विच इज मोर इम्पॉर्टेंट। एग्जैक्ट, मेरे ख्याल से सब कुछ टाइम है, तो खाली अपने ज्योतिष का यही पर्पज है। रिया इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन यू हैव रेज, इफ द टाइम इज राइट देन यू टेक अ डिसीजन, नहीं तो मैं कहता हूँ नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन। उसी के साथ चलते हैं हमारे अगले राशि की तरफ, वो है स्कॉर्पियो। वृश्चिक राशि की शुरुआत बहुत ही पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा था कि सूर्य जो है अभी भी 4 दिन बाकी हैं, इसको इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दीजिए। 12 महीने में एक बार ऐसा होता है कि आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है विच कम्स वंस इन ए ईयर, तो पूरी लगन के साथ लग जाइए, क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें आप जो चाहेंगे वो होगा, ऐसा बहुत कम होता है। दूसरी वजह और भी है कि चंद्रमा आपके 11वें स्थान में चल रहा है, द हाउस ऑफ गेंस, तो गेंस भी मिलेंगे, प्यार मोहब्बत हो सकता है, दिल लगाना आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि जब आप लगाते हैं तो फिर आपकी लग जाती है, बिकॉज यू आर ए वेरी सेंसिटिव पर्सन, तो यहाँ पे दिल समझ जाता रहा तो मोहब्बत करने चला। तीसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना पड़ेगा, अपने धर्म की तरफ आपको आस्था को बढ़ाना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त दीजिए, यही 10 मिनट हैं जो आपकी एनर्जी पे काम करेंगे, जिससे आपकी जो कायनात है वो आपका सपोर्ट करेगी, पूरा एटमॉस्फेयर आपके साथ हो जाएगा, और आप जो चाहेंगे उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगा। जस्ट लेट गो करना सीख जाइए, जो मैं आपको बार बार याद दिलाता रहूंगा। और इसी के साथ चलते हैं हमारे अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस, और पता कर लेते हैं कि आज वो क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि के लिए तीर चला लीजिए आप, क्योंकि इसी के लिए आपको जाना जाता है, क्योंकि भाई करोगे नहीं तो होगा कैसे, और शनि कह रहा है कि धीरे धीरे रे मना, यू नो ये कबीर दास का दोहा भी था कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए और माली सींचे 100 घड़ा और रुत आए और फल होए। अच्छी बात है, जब वक्त आएगा तो फल होगा, लेकिन फल कब मिलेगा, जब बीज बोएंगे, तो कम से कम बीज तो बो लीजिए। तो दिस इज अ टाइम टू गिव योर बेस्ट, बिकॉज ये जो आपका कर्म है भले ही इसका रिजल्ट अभी आपको नजर ना आए, क्योंकि शनि आपके चांद के ऊपर चल रहा है, चीज़ों को डिले से कराएगा और आपको लेजी भी बनाएगा, मैं पहले से आपको बता दे रहा हूँ,
तो जितना आप इससे बाहर निकल आएंगे, जितना इनिशिएटिव लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है। जो लोग रियल स्टेट में हैं, बहुत स्लो डाउन चल रहा था रियल स्टेट में, उनको कोई लाभ होने वाला है, या आपने कहीं पैसा लगाया था प्रॉपर्टी में, हो सकता है कि वो आपको हैंड ओवर आपका फ्लैट या घर हो जाए, तो एक अच्छी खबर है। 10th हाउस में चांद का ट्रांजिशन कहता है कि करियर वाइज ये एक अच्छा वक्त है, एक अच्छा दिन है आपके लिए। तो अगर आप जो भी करना चाहते हैं लग जाइए, बिकॉज यू विल गेट लॉट ऑफ गेंस। आखिरी बात, अपने खर्चों पे कंट्रोल करिए, क्योंकि मनी सेव्ड इज मनी अर्न। तो खर्चे हो गए या लॉस हो गया, उसमें ज्यादा फर्क नहीं होता है, दोनों में पैसे निकल जाते हैं। थोड़ा सा बजट बना के चले, आई थिंक तो दैट इज अ गुड एडवाइस फॉर यू। अगली राशि हमारी है कैप्रिकॉन। मकर राशि, और मकर राशि के दो ब्रांड एम्बेसडर हैं रिया, सलमान खान और शाहरुख खान, दोनों की चंद्र राशि मून राशि, यस। तो इसीलिए दोनों ने सोचा बचपन से कि मुझे वो करना है, यू नो, हर पिक्चर देख के सोचा कि मैं भी एक्टर बन जाऊं। तो जिसमें एक तो फैमिली में ही बन हुए थे और एक बाहर से आए थे, बट दोनों दे हैव डन इक्वली वेल, तो दैट इज विच इज अमेजिंग एंड आई बिलीव इन ड्रीम्स। तो मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि मकर राशि वालों को ये मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि इस समय केतु का ट्रांजिशन आपके चांद के ऊपर आया हुआ है, और जब भी केतु आता है ऐसा, ये भी 18 साल में एक बार होता है, तो इंसान इरिटेट और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेशन के वजह से वो गलत रिएक्ट करता है और उसके रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो थोड़ा सा आपको केयर करना चाहिए। दूसरी बात मैं कह सकता हूँ कि इस बार सारे के सारे ग्रह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट से आपको फायदा होगा, नेटवर्किंग से आपका फायदा होगा, जो लोग सेल्स में हैं, बैंकिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, लॉ में हैं, राइटिंग में हैं, मीडिया में हैं, दिस इज अ टाइम। और बड़ी बात क्या है कि कम्युनिकेशन को यूज करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है, वक्री हो चुका है बुध, और बुध वक्री मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए कि कहा कुछ और लगा कुछ और, ऐसा ना हो लोग आपकी बात का बुरा मान जाए, और वैसे भी रिएक्ट करने की टेंडेंसी बढ़ चुकी है जो मैंने अभी भी बताया, तो इस पर आप थोड़ा सा तवज्जो दें, आई थिंक बाकी सब कुछ ठीक है। और हम चलते हैं हमारे अगले राशि की तरफ जो है एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए आज का दिन लर्निंग का है, ये एक अच्छी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो तवज्जो है वो गेंस की तरफ रहता है। हर इंसान चाहता है कि उसके डिजायर पूरे हों, हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना चाहता है, कुछ जिम्मेदारियों की वजह से भी और कुछ उसके सपनों की वजह से भी, लेकिन ऐसे में आपको एक बैलेंस बनाना चाहिए बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, बिटवीन योर मटेरियलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल लाइफ। तो अगर ये आप बैलेंस बना के चलेंगे तो इट विल बी गुड फॉर यू। वैसे भी आपका जो रूलर है वो शनि है, और शनि जो है वो भी यही कहता है कि भाई हिसाब से चलिए, बैलेंस बना के चलिए, तो आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। यहाँ पर करियर में परिवर्तन जरूर होगा, जब भी सूरज का ट्रांजिशन आपके 10th हाउस में आता है, 12 महीने में एक बार ऐसा होता है, तो वो चेंज करा देता है, तो चेंज के हिसाब से चलिए, क्योंकि कहते हैं चेंज इज ए वे ऑफ लाइफ, गीता में वही लिखा हुआ है, और यही जो भी परिवर्तन आने वाला है जिससे हो सकता है कि आप खुश ना हो, बिकॉज ह्यूमन नेचर हमारा ऐसा होता है, वी ट्राई टू रेसिस्ट एनी चेंज, बट ये परिवर्तन आपकी जिंदगी को बदल देगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। आखिरी राशि की तरफ चलते हैं, वो है मीन राशि पाइसिन। पाइसिन के लिए आज का दिन थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। पहली बात यह है कि यू नो कुछ चीजें डिले से हो रही, तो जब भी चीजें डिले से होती हैं तो इंसान थोड़ा सा यू नो उसको लगता है कि क्या हो रहा है, यू नो मेरे काम ऐसे होने चाहिए, मैंने प्लानिंग भी कर ली, मैंने नेटवर्किंग भी कर ली, मैंने जितना मेरी नॉलेज थी मैंने वो भी लगा लिया, अब रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो ऐसे में इंसान क्या होता है वो हताश हो जाता है, कभी कभी वो गिवअप कर जाता है। और कितनी बार ऐसा होता है जिंदगी में कि दरवाज़ा खुलने ही वाला था कि आप वापस लौट आए, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको तसल्ली, थोड़ा सा हौसला रखना चाहिए, पेशेंस इज द की, दिस इज फॉर यू। दूसरी बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि आपके जितने भी जो बुजुर्ग हैं या जो आपके सीनियर हैं, चाहे वो आपके बॉसेस हो, चाहे वैसे भी एज में बड़े हो, आपके पिता हैं, गुरु हैं, आपका जितना आपका उनकी तरफ से आप मान के चलेंगे, उनकी एडवाइस को आप लेकर चलेंगे, तो यकीन मानिए इट विल हेल्प यू टू टेक राइट डिसीजन, बिकॉज अगर डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता ये सोच लिया तो डॉन हमेशा फंस जाता है। तो ट्राई टू बी अ गुड लिसनर, टेक दैट काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम देयर। आज का दिन रिलेशनशिप में जरूर आपकी मदद करेगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आपके करियर में आगे आपको बढ़ाने में आपकी अहम भूमिका अदा करेगी। जैसे आपने कहा डॉन कभी रॉन्ग नहीं होता, तो आप भी कभी रॉन्ग नहीं होते, बिल्कुल। ये तो हुई आज की बात, फिर होगी कल मुलाकात ओनली ऑन किस्मत की बात संदीप कौशल के साथ।